ब्रेड जो अक्सर हमारे घर में बच जाती है, तो चलिए इस बचे हुए ब्रेड से आज हम बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बना के तैयार करेंगे, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ही चाव से खाएंगे। और बनाना तो बेहद ही आसान है, तो बचे हुए ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक उबले हुए आलू को ले लेंगे। तो यहाँ पे एक ही उबले आलू मैंने यूज़ किया है, साथ में दो कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च, नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, ज़ीरा और हरा धनिया डालकर हम उबले हुए आलू में सारे मसाले को मिक्स करके अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए आलू हम का जो मसाला है वो बनके एकदम तैयार हो चुका है झटपट से। अब बचे हुए ब्रेड को ले लेंगे, उसके साइड के कॉर्नर को इस तरह से हम कट कर लेंगे एक चाकू के मदद से। अब उसके बाद एक बेलना के मदद से हम इसे हल्का सा बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। देखिए इस तरह से 3 से 4 बार बेलना चलाकर हम इसे बेल लेंगे। उसके बाद अब हम ले लेंगे हरा धनिया की चटनी, आप चाहे तो टोमेटो सॉस भी ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो टोमेटो सॉस यूज़ करिए, बच्चों को सॉस बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया को बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब 1 चम्मच आलू के मसाले को हम ब्रेड के बीच में डाल देंगे और इसे हल्का सा घुमाते हुए हम एक रोल तैयार कर लेंगे। बीच में ब्रेड आपके थोड़े से टूटेंगे, बट आलू की मदद से ये बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड का जो रोल है वो बना के तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट में आपको एक कच्चे आलू को क्रश कर लेना है और इसे धो के छानकर हम एक कटोरे में डाल देंगे, साथ में कूटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, हरा धनिया और 2 कप मैदे के साथ हम आधा कप पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये घोल बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप चाहे तो गेहूं के आटे का भी घोल तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे घोल तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड का रोल बना के रखा था ना, वो हम मैदे के घोल में डाल देंगे और 1 चम्मच के मदद से चारों तरफ से हम इसे लगा लेंगे, कोट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं हाथ से भी करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये जो इस तरह से रोल आपके तैयार हो चुके हैं। अब गरम गरम तेल में हम इसे फ्राई कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम हाई पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लो नहीं रखना है। और 3 से 4 ब्रेड को एक साथ डालेंगे और इसे हमें गोल्डन कलर होने तक दोनों तरफ फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं बस कुछ ही सेकंड में जो हमारा ब्रेड का नाश्ता है वो फ्राई होके तैयार है और देखने में बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त सा लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी और यम्मी। और बनाना तो बेहद ही आसान है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये ब्रेड के नाश्ते को। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।